सो लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन तक कंप्लीट कर लिया था अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट से तो पहले सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट को नोट डाउन कर लेते हैं तो यहाँ पर ये यह दिया गया है टू एक्स प्लस वाई इज इक्ल टू सिक्स तो इस इक्वेशन को अगर हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स इसके साथ साथ दूसरी जो इक्वेशन थी वो क्या थी ये है सिक्स एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू ट्वेल्व ट्वेंटी ठीक है अब देखिए अगर आप 2x को इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा वाई इज टू सिक्स माइनस टू ठीक है अब यहां पर अगर हम टेबल बनाते हैं तो इसके लिए हमें तीन कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं तीन कोऑर्डिनेट्स के लिए हम हम क्या कर सकते हैं एक्स की वैल्यू अगर हम यहां पर जीरो ले लेते हैं तो वाई कितना आता वाई आ जाता सिक्स माइनस टू इंटू जीरो दैट इज सिक्स क्योंकि ये सिक्स माइनस जीरो होता सिक्स माइनस जीरो मतलब कितना है सिक्स होगा तो यहां पर जब आपने एक्स की वैल्यू जीरो ली तो एक्स वाई कितना आ गया सिक्स इसी तरीके से अगर आप x की वैल्यू वन लेंगे तो y कितना आ जाएगा सिक्स माइनस टू इंटू वन विच इज सिक्स माइनस टू विच इज फोर तो इसका मतलब यह है कि x अगर हम वन लेते हैं तो y कितना आ गया फोर इसी तरीके से अगर हम x की वैल्यू टू लेते हैं तो y कितना आ जाएगा y आ जाएगा सिक्स माइनस टू इंटू टू तो ये हो गया सिक्स माइनस फोर विच इज़ टू तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया टू जब हमने एक्स की वैल्यू टू ली इतना क्लियर हो गया अब हमारे पास सारे इंटीजर वैल्यूज़ आ चुकी हैं इसी तरीके से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं तो देखिए अगर आप यहाँ पर सिक्स एक्स को इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा थ्री वाई इसी वैल्यू ट्वेंटी माइनस सिक्स एक्स फिर यहाँ पर ही आ जाएगा वाई जी वेल ड्यू ट्वेंटी माइनस सिक्स एक्स डिवाइडेड बाई थ्री अब देखिए अगर आप यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए कि अगर आप इस इक्वेशन के अंदर एक्स की वैल्यू अगर ज़ीरो पुट करते हैं तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी वाई आ जाएगा ट्वेंटी माइनस जीरो बाय थ्री विच इज़ ट्वेंटी बाय थ्री तो ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आ रहा है और आप देखिएगा कि हर किसी भी वैल्यू पे अगर आपने कोई सी भी x की इंटीजर वैल्यू ली तो आपके पास जो y की वैल्यू आएगी वो हमेशा एक फ्रैक्शन के फॉर्म में ही आएगी आप कोई सी वैल्यू लेकर देख लीजिए ठीक है और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ इसका मैं एक सिंपल आपको रीज़न बता देता हूँ अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से नोट करेंगे तो ये हो जाएगा वाई जीरो टू कितना था ट्वेंटी माइनस सिक्स एक्स बाय थ्री था ये इसको सेपरेट करके देखिए तो ये हो जाएगा ट्वेंटी बाय थ्री माइनस सिक्स एक्स बाय थ्री ठीक है अब देखिए आप कि यहां पर ये कैंसिल आउट हो सकता है तो ये हो जाएगा टू तो यहां पर आपके पास आंसर कितना आएगा ये हो जाएगा ट्वेंटी बाय थ्री माइनस टू एक्स ठीक है अगर आपने इस पोर्शन को इंटीजर लिया ये इंटीजर हो गया और ये हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू है किसी भी एक फ्रैक्शन वैल्यू में से अगर आप इंटीजर माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आंसर आएगा वो फ्रैक्शन में ही आएगा ठीक है तो इसका मतलब ये है कि आप कोई सी भी एक्स की इंटीजर वैल्यू ले लीजिए आपके पास यहां पर जो आंसर आएगा वो फ्रैक्शन में आएगा लेकिन अगर आप इस केस में फ्रैक्शन लेते हैं तो शायद से आपका आंसर इंटीजर में आ जाए लेकिन हमें तो दोनों इंटीजर चाहिए होते हैं अगर दोनों इंटीजर नहीं आते हैं तो आप फ्रैक्शन में भी निकाल लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है आप फिर भी निकाल सकते हैं प्लॉट भी कर सकते हैं बस मैं आपको इसीलिए इंटीजर के लिए कहता हूं कि क्योंकि जैसे ही आप इंटीजर की वैल्यूज निकालेंगे तो उनको प्लॉट करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है इसलिए मैं आपको इंटीजर वैल्यूज निकालने के लिए कहता हूँ तो यहाँ पर आप देखिए अगर आपने x की वैल्यू यहाँ पर जीरो ली होती तो यहाँ पर y कितना आ जाता y आ जाता है ट्वेंटी माइनस सिक्स इंटू जीरो बाय थ्री तो यहाँ पर ये यह हो गया ट्वेंटी माइनस ज़ीरो बाय थ्री विच इज़ ट्वेंटी बाय थ्री ठीक है तो ये हो गया ज़ीरो और ये कितना हो गया ट्वेंटी बाय थ्री अब आप देखिए ट्वेंटी बाय थ्री को अगर आप प्रॉपर फॉर्म में डेसीमल के फॉर्म में लिखते हैं तो ये कितना आएगा सिक्स पॉइंट सिक्स 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 एंड सो वन यही होता है इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन तो ये हो गया सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इतना क्लियर हो गया ठीक है इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू वन ले लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा वाई जीव टू ट्वेंटी माइनस सिक्स इंटू वन बाई थ्री विच इज़ ये हो गया फोर्टीन बाय थ्री तो ये फोर्टीन बाय थ्री को अगर आप सॉल्व करके देखेंगे तो कितना आ जाएगा ये हो जाएगा थ्री फोर ट्वेल्व बचा टू अब टू बाय थ्री कितना होता है तो यहाँ पर ये हो जाएगा सिक्स 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 एंड सो वन तो इसका मतलब ये है कि फोर पॉइंट सिक्स सेवन हम इसको लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली तो इसका मतलब ये हो गया 4.67 अगर हमने x की वैल्यू वन ली होती इसी तरीके से अगर हम x की वैल्यू इधर मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ अगर हमने x की वैल्यू टू ली होती तो y कितना आ जाता y आ जाता 20 माइनस सिक्स इंटू टू डिवाइडेड बाई थ्री विच इज़ 20 माइनस ट्वेल्व बाय थ्री तो ये कितना हो गया 8 बाई थ्री एट बाई थ्री को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर आप देखेंगे तो ये टू एंड सो ऑन इसको आप अप्रॉक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं ये हो जाएगा टू ठीक है तो इसका मतलब ये है कि जब आपने वाई की वैल्यू यहाँ पर टू ली थी तो ये कितना हो गया था सॉरी एक्स की वैल्यू आपने टू ली थी तो वाई कितना हो गया था टू पॉइंट सिक्स सेवन इतना क्लियर हो गया तो हमारे पास दोनों टेबल आ चुकी हैं अब हम इसी के लिए ग्राफ बना के देख लेते हैं देखिए जब आप ग्राफ यहाँ पर बनाएंगे तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ग्राफ बनाने से पहले आपको यहाँ पर यह देखना है कि वाई की मैक्सिमम रेंज कहाँ तक जा रही है y की मैक्सिमम रेंज इस पूरे केस में आप देखेंगे तो 6.67 तक जाती है तो इसका मतलब ये है कि आप पॉसिबली आप कोशिश ये करेंगे कि y मैक्सिमम 7 तक तो एटलीस्ट जाए नेगेटिव में कोई वैल्यू नहीं आ रही है ना पर ना यहाँ पर x की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है ना ही यहाँ पर y की वैल्यू भी नेगेटिव में आ रही है तो इसका मतलब ये कि सारा ग्राफ हमें पॉजिटिव साइड में बनाना है तो हम एक काम करेंगे इसके लिए हम इस तरीके से ग्राफ बना के देख लेते हैं तो यहाँ पर हम थोड़ा सा ग्राफ को लेफ्ट साइड में भी रखेंगे और थोड़ा सा डाउनवर्ड साइड में भी रखेंगे ठीक है तो ये हो गया ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस और ये हो गया हमारे पास वाई एक्सिस ठीक है ये हो गया ओरिजिन, अब ये हो गया वन इसको मार्क कर देते हैं टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट इसके साथ साथ ये हो गया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एक्चुअली वाई में तो हमें सिर्फ और सिर्फ सेवन तक ही चाहिए था <coughs> इतना क्लियर हो गया अब देखिए यहाँ पर ये कितना हो गया माइनस का वन माइनस का टू और इसको भी हम लिख देते हैं माइनस वन ठीक है सबसे पहला कॉर्डिनेट ये है जीरो कॉम सिक्स तो एक्स अगर जीरो है तो वाई कितना है सिक्स ये हो गया ठीक है इसके साथ साथ दूसरा कॉर्डिनेट है एक्स अगर वन है तो वाई कितना है फोर तो एक्स अगर वन है तो वाई कितना हो गया फोर ये हो गया इसका मतलब ये है कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं वन कामा फोर और ये वाला कॉर्डिनेट क्या हो गया जीरो कामा सिक्स ठीक है अब इसके साथ साथ ये वाला कॉर्डिनेट क्या है टू कामा टू मतलब ये है कि एक्स अगर टू है तो वाई भी हमारे पास टू ही आएगा टू कामा टू कितना क्लियर हो गया अब इन तीनों कॉर्डिनेट्स को ऐड करके इन तीनों कॉर्डिनेट्स को अटैच करके देखिए एक लाइन में ये लाई करते हैं कि नहीं तो आप देखेंगे कि ये तीनों एक, एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं तो बस इसी लाइन को आप ड्रॉ कर दीजिए तो यहां पर यह आंसर आ गया हमारे पास और इसकी इक्वेशन क्या थी इस लाइन की इक्वेशन थी टू एक्स प्लस वाई इजिक्वल टू सिक्स इतना क्लियर हो गया अब देखते हैं इन कोऑर्डिनेट्स को इनको प्लॉट करके देखते हैं देखिए ये तो जीरो हो गया एक्स अगर जीरो है तो वाई कितना है सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इसको कैसे प्लॉट करें ठीक है मैं आपको बता देता हूँ कि जब आपके पास इस तरीके से यहाँ पर बॉक्स था ठीक है ये यह यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास सिक्स है और ये सेवन है ठीक इसमें क्या होंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ अब देखिए यहाँ पर आपके पास कितने डिवीज़न हो गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ठीक है आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको 6.67 चाहिए तो मतलब ये कि 6. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये हो गया ये वाला पॉइंट हो गया सिक्स पॉइंट सिक्स ठीक है और ये वाला पॉइंट हो गया सिक्स पॉइंट सेवन ठीक है आप देखेंगे कि इसके बीच में ना सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन निकालना थोड़ा मुश्किल है तो आप एक काम करिए बस यहीं पर मार्क कर दीजिएगा ठीक है क्योंकि इतनी एक्यूरेसी मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है तो इन दोनों के बीच में ही आप मार्क कर दीजिए अप्रॉक्सीमेटली आप उसको ये बोल दीजिए कि हाँ ये वाला पॉइंट हो गया हमारा सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन क्योंकि एक्चुअली में तो आप एकदम से अगर आप बताएंगे भी तो बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी तो मेंटेन नहीं कर सकते ना ठीक है तो इसका मतलब यह है कि बस आपको उस एरर तक भी पहुंच जाना है ठीक है इतना क्लियर हो गया क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ जब भी इसमें प्लॉट करते हैं तो हम यह देखते हैं कि हमारे पास वन डिजिट डेसिमल तक एक्यूरेसी आनी चाहिए टू डिजिट डेसिमल तक एक्यूरेसी लाना थोड़ा सा मुश्किल होता है ठीक है तो यहां देखिए सिक्स पॉइंट फाइव ही हो गया सिक्स पॉइंट सिक्स ही हो गया सिक्स पॉइंट सेवन ही हो गया इन दोनों के बीच में यह ठीक है तो इसका मतलब यह हो गया कि यह हमारे पास जीरो कॉमा सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन ये कॉर्डिनेट हो गया इतना क्लियर हो गया इसी तरीके से वन कॉमा कितना हो गया फोर पॉइंट सिक्स सेवन अब देखिए एक्स अगर वन है तो वाई कितना है फोर पॉइंट सिक्स सेवन फोर पॉइंट फाइव ये हो गया फोर पॉइंट सिक्स ये हो गया फोर पॉइंट सेवन ये हो गया इन दोनों के बीच में ये वाला कॉर्डिनेट तो ये वन कामा फोर पॉइंट सिक्स सेवन इतना क्लियर हो गया इसी तरीके से हम इसको भी प्लॉट कर सकते हैं एक्स अगर टू है तो वाई कितना है टू पॉइंट सिक्स सेवन एक्स अगर टू है तो वाई है टू पॉइंट ये 2.5 ये हो गया 2.6 ये हो गया 2.7 इनके बीच में वन नहीं टू कामा टू आ गया इतना क्लियर है अब इन तीनों पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो कितना आंसर आएगा देखिए इन तीनों पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो यहां पर ये लाइन कुछ इस तरीके से आएगी अब आप देखिए एक तो इन्होंने इक्वेशन भी इस तरीके से दिए कि बिल्कुल लाइंस पैरेलल हैं लेकिन एक दूसरे के बिल्कुल आसपास हैं थोड़ा सा भी अगर आप एरर करेंगे तो यहाँ पर इंटरसेक्टिंग के चांसेस बन सकते हैं क्योंकि अगर आपने हल्की सी गलती करी लाइन थोड़ी सी शिफ्ट हो जाएगी कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करते हुए दिख जाएगी ठीक है तो आप बहुत ध्यान से इसको बनाइएगा ठीक इतना क्लियर हो गया अब आप देखिए ये इक्वेशन क्या थी सिक्स एक्स प्लस थ्री वाई इज टू ट्वेंटी ये आंसर आ गया अब आप इसमें कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि इस इस ग्राफ से आप क्या कंक्लूड हुआ है आपने क्या कंक्लूड किया इसमें कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं अब क्योंकि मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो इसका मतलब ये है कि ये कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी अब ये कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो इसका मतलब ये है कि कहीं पर भी जाकर इनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं आएगा तो कॉमन पॉइंट नहीं आएगा तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोई कॉमन सोल्यूशन है ही नहीं ठीक है तो इसका मतलब ये है कि हम इसमें बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच में कोई सोल्यूशन नहीं है विच इज़ नो सोल्यूशन ठीक है ये नो no सॉल्यूशन वाला केस था अब हम आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन पर देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन में क्या दिया गया है कहा गया है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग क्वेशन ऑन द सेम ग्राफ पेपर मतलब इन दोनों इक्वेशन्स का एक ही सेम ग्राफ पेपर पर पे हमें ग्राफ बनाना है दोनों इक्वेशन का और कहा है कि फाइंड द कॉर्डनेट्स ऑफ द वर्टिसज ऑफ द ट्रिपीजियम फाउंड बाय दीज लाइन्स पहले तो ये देखते हैं ग्राफ कैसा बनेगा फिर उसके बाद उन्होंने एक्चुअली बोल दिया कि जो ट्रेपेजियम बनेगा तो सबसे पहले हम ग्राफ बना के देखते हैं कि इस फिगर बनेगी कैसी तब उसमें हमें पता चलेगा ट्रेपेजियम बनेगा कि नहीं बनेगा कैसा टाइप का ट्रेपेजियम बनेगा ठीक है तो पहले इन इक्वेशन को ड्रॉ करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन के अंदर फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या दी गई है टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू दूसरी इक्वेशन हमारे पास है टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स ठीक है अब हमें करना क्या है सबसे पहले तो इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म कर लीजिए टू को इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा टू माइनस और अगर आप इस टू को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा वाई जुएल टू सिक्स माइनस टू एक्स इतना क्लियर हो गया ये इक्वेशन अब दिख रही होगी ये पार्ट क्लियर हो गया अब आप देखिए यहाँ पर आपके पास ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स आपको बनाने हैं पहले इसके तीन कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं साथ में इसके भी आपको तीन कॉर्डिनेट्स बनाने हैं तो ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई ठीक है तो यहां पर आपको क्या करना है देखिए अगर आपके पास यहां पर अगर आप x की वैल्यू ज़ीरो लेंगे तो y कितना आ जाएगा y आ जाएगा टू माइनस टू इंटू जीरो इतना क्लियर है विच इज़ टू माइनस जीरो जो कि आ गया टू तो x अगर जीरो था तो y आ गया टू इसी तरीके से अगर हम x की वैल्यू वन लेंगे तो y कितना आ जाएगा y आ जाएगा टू माइनस टू इंटू वन विच इज टू माइनस टू दैट इज इक्वल टू जीरो तो इसका मतलब यह कि x अगर वन है तो y कितना हो गया ज़ीरो इसी तरीके से अगर हम x की वैल्यू टू लेते हैं तो y कितना आ जाएगा y आ जाएगा टू माइनस टू इंटू टू विच इस टू माइनस फोर तो ये हो गया माइनस का टू तो x टू लेने पर y कितना हो गया माइनस का टू इतना क्लियर हो गया इसी तरीके से आप इस टेबल को भी फिल कर सकते हैं यहाँ पर आप देखिए अगर आपने यहाँ पर x की वैल्यू ज़ीरो ली होती तो y कितना आ जाता y आ जाता है सिक्स माइनस टू इंटू ज़ीरो विच इस सिक्स माइनस ज़ीरो तो ये आंसर आ गया सिक्स तो इस केस में x जीरो लेने पर सिक्स आ रहा है दोनों डिफरेंट आंसर आ रहे हैं तो इसमें इस आप क्या कर सकते हैं कि एक्स की वैल्यू सेम ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा वैसे अगर आप नहीं भी लेना चाहें तो अलग अलग वैल्यूज़ भी ले सकते हैं तो हम एक काम करते हैं एक्स को वन नहीं रखते हैं अब हम एक्स को माइनस वन लिख देते हैं अगर एक्स माइनस वन होगा तो वाई कितना हो जाएगा वाई हो जाएगा हमारे पास सिक्स माइनस टू इंटू माइनस वन विच इज़ सिक्स माइनस माइनस कितना हो गया प्लस तो ये प्लस का टू हो गया ठीक है तो सिक्स प्लस टू कितना हो गया एट तो ये एक्स माइनस वन पे वाई कितना आ गया एट लेकिन अगर हम और नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा आंसर आएगा तो हम एक काम करते हैं एक्स की वैल्यू यहाँ पर थ्री ले लेते हैं जैसे अगर आप एक्स की वैल्यू थ्री लेंगे तो वाई कितना आ जाएगा सिक्स माइनस टू इंटू थ्री विच इज़ सिक्स माइनस सिक्स दैट इज इक्वल टू जीरो तो इसका मतलब ये है कि जब आपने एक्स की वैल्यू थ्री ली तो वाई कितना आ गया ज़ीरो इतना क्लियर हो गया अब हम इसको ग्राफ पे ड्रॉ करके देख लेते हैं अब सबसे पहले क्या होगा कि वाई का अगर आप मार्जिन देखेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव साइड में मैक्सिमम इसका माइनस टू जा रहा है और पॉजिटिव साइड में मैक्सिमम ये एट तक जा रही है और यहाँ पर आप देखेंगे तो ज़्यादा एक्स की जो रेंज है वो इतनी ज़्यादा नहीं है माइनस वन से लेकर प्लस थ्री तक ही है तो आपको क्या करना है सिर्फ वाई का ध्यान देना है कि वाई का पॉजिटिव साइड ज़्यादा होना चाहिए तो इस ग्राफ पे वाई का पॉजिटिव साइड थोड़ा ज़्यादा होगा तो हम क्या करेंगे एक्स एक्सिस को थोड़ा सा नीचे की तरफ बनाएंगे तो थोड़ा डाउनवर्ड साइड में ताकि वाई एक्सिस को हम सही से प्लॉट कर पाएं तो ये हो गया हमारे पास एक्स एक्सेस और ये कितना हो गया ये हो गया वाई एक्सेस अब देखिए ये तो ओरिजिन हो गया ये कॉर्डिनेट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन y एक्सेस में हमने नाइन तक कोऑर्डिनेट बना दिया और एक्चुअली हमें कहाँ तक चाहिए था एट तक तो एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए था तो ये तो प्रॉपर बन गया अब यहाँ पर देखिए माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर और यहाँ पर देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ठीक है और यहाँ पर यह हो गया माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स अब इसको प्लॉट करके देखते हैं x अगर जीरो था तो y कितना था टू तो इसका मतलब ये है कि x अगर आपके पास जीरो है तो y कितना हो गया टू ठीक है इसी तरीके से x अगर वन था तो y कितना हो गया जीरो जब एक्स वन था तो वाई हमारे पास ज़ीरो तो ये इसी एक्सिस पर आएगा तो एक काम करते हैं सबसे पहले इसको हम लिख देते हैं ज़ीरो कामा टू और ये कितना हो गया वन कामा ज़ीरो एक्स वन है तो ये वाई ज़ीरो है इसके साथ साथ एक्स अगर टू है तो वाई कितना है माइनस का टू तो एक्स अगर टू है तो वाई कितना है माइनस का टू तो ये हो गया कितना एक्स अगर टू है तो वाई है माइनस का टू इतना क्लियर हो गया अब इन तीनों पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो ये कितना आ गया ये कुछ इस तरीके से लाइन आएगी ठीक है और इस लाइन को हम क्या बोल सकते हैं 2x एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू यह लाइन की इक्वेशन है इतना क्लियर हो गया अब देखिए इस लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले इन कोऑर्डिनेट्स को हम प्लॉट कर देते हैं तो यहां पर देखिए x अगर जीरो है तो y कितना है सिक्स तो x अगर जीरो है तो y कितना आएगा सिक्स ठीक है तो x अगर जीरो है तो y आ गया सिक्स इसी तरीके से x अगर माइनस वन है तो y कितना आ गया एट x अगर माइनस वन है तो y कितना आ गया एट ये हो गया x अगर माइनस वन है तो y आ गया एट ठीक है अब आप देखिए इसके साथ साथ हमने क्या करा है? x अगर थ्री है तो y कितना आ गया ज़ीरो तो मतलब y ज़ीरो हो गया x थ्री हो गया x अगर थ्री है तो y आ गया जीरो इतना क्लियर है अब इन तीनों पॉइंट्स को आपको ज्वाइन करना है तो आप देखिए ये तीनों पॉइंट्स कुछ इस तरीके से आए ठीक है इन तीनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन करके देखिए तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि ये दोनों लाइंस तो हमारे पास पैडल लाइंस आ रही हैं ठीक है और यहाँ पर आप ये भी देखेंगे पहले टू एक्स प्लस वाई जुएल टू सिक्स लिख देते हैं अब देखिए ये दोनों लाइंस पैडल आ रही हैं ये दोनों लाइंस अगर आप एक्स एक्सिस से देखते हैं तो यहाँ पर एक ट्रेपेजियम बना रही हैं आप नोटिस करेंगे कि ये दोनों लाइन्स कुछ इस तरीके से जा रही थी ठीक है और ये पार्ट जो था वो ट्रेपेजियम था क्योंकि ये दोनों पैरल लाइन्स थी ठीक है तो इसका मतलब ये है कि अगर आप मैं इसको शेड करके दिखा देता हूँ ये वाला जो रीजन है ये हमारा ट्रेपेजियम है और पूछा गया है कि इस ट्रेपेजियम का आपको एरिया निकालना है ठीक है इस क्वेश्चन में क्या कहा गया था देखिए फाइंड द कॉर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसज ऑफ द ट्रेपेजियम फॉर्म बाय दीज लाइन्स पहले हमें कॉर्डिनेट्स निकालने एंड फाइंड द एरिया ऑफ़ द ट्रेपेजियम सो फॉर्मड मतलब ये है कि पहले तो उस ट्रपेजियम के हमें कॉर्डिनेट्स चाहिए ये ट्रेपेजियम के कॉर्डिनेट हो गए तो एक काम करते हैं इन कॉर्डिनेट को नाम दे देते हैं इसको ले लेते हैं ए, ए इसको दे, दे देते हैं नाम बी इसको सी इसको डी ठीक है तो आपको पता चल गया है कि हमारे पास जो ट्रपेजियम है उसके कॉर्डिनेट्स क्या हैं ट्रपेजियम के कॉर्डिनेट्स हैं वन कामा ज़ीरो साथ में बी के कॉर्डिनेट्स हैं थ्री कामा जीरो साथ में सी के कॉर्डिनेट्स हैं जीरो कामा सिक्स इसी के साथ साथ डी के कॉर्डिनेट्स हैं जीरो काम टू डी के कॉर्डिनेट कितने हो गए जीरो काम टू इतना क्लियर हो गया ठीक है अब हमें इसका एरिया निकालना है अब आप देखिए एरिया ऑफ ट्रिपेजियम ए बी सी डी ठीक है यहाँ पर आप टी आर लिख दीजिएगा ट्रिपेजियम ए बी सी डी इज इस टू कितना होना चाहिए अब आप खुद देखिए अगर आपके पास ये पूरा ट्राइंगल है ये पूरा ट्राइंगल है आप ये बोल सकते हैं ना कि भाई यहाँ पर अगर आपके पास मैं इसको सही से ड्रॉ करके इधर दिखाता हूँ आपको ये देखिए अगर आपके पास ये वाला ट्रिपेजियम था तो आप इसको ये बोल सकते हैं ना कि अगर हमारे पास ये ओ ये बी और ये यहाँ पर ये सी हो गया अगर हम इस ट्राइंगल को लेते हैं एरिया ऑफ ओ बी सी ट्राइंगल ठीक है इसमें से इस छोटे वाले ट्राइंगल को माइनस कर देंगे तो ये ट्रेपेजियम आ जाएगा हमारे पास तो इसका मतलब ये है कि हम ओ ए सी ले सकते हैं एरिया ऑफ ओ बी सी माइनस एरिया ऑफ ओ ए सी एरिया ऑफ़ ट्राइंगल ओ ए सी क्योंकि अगर आप बिगर ट्राइंगल में से ये स्मॉलर ट्राइंगल को अगर आप हटा देंगे तो बचेगा फिर यही वाला पोर्शन इतना क्लियर है तो इसका मतलब यह है कि अगर हमें इसका एरिया का ट्रिपेजियम निकालना है तो हमें करना क्या पड़ेगा बिगर ट्राइंगल का एरिया निकालना है उसमें से स्मॉलर ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देना है ठीक है अब यहाँ पर देखिए आपके पास सबसे पहले एरिया ऑफ ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं इनका तो एरिया पता हो अब आप खुद देखिए इसका आप क्या बोल सकते हैं एरिया ऑफ ओ बी सी ना तो हम पहले सबसे पहले इसका निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी ठीक है हाफ बेस इनटू हाइट यही होगा इसका बेस कितना है इस ट्राइंगल का अगर आप बेस देखेंगे तो ये बेस है हमारे पास ये कितना हो गया जीरो से लेकर थ्री यूनिट तक तो मतलब बेस हो गया थ्री यूनिट तो ये बेस हो गया थ्री यूनिट ठीक है और हाइट कितनी हो गई हाइट हमारे पास कितनी हो जाएगी ये वाली हाइट है तो ये जीरो से लेकर सिक्स तक तो इसका मतलब ये है कि हाइट हो गया हमारे पास सिक्स यूनिट ठीक तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका जो एरिया होगा वो हो जाएगा हाफ थ्री इंटू सिक्स तो ये टू से ये कैंसिल आउट हो गया ये थ्री इंटू थ्री कितना हो जाएगा नाइन ठीक है तो इसका एरिया कितना हो गया नाइन स्क्वायर यूनिट ठीक है तो यहाँ पर ये हो गया नाइन स्क्वायर यूनिट अब आपको इसका एरिया निकालना है इसका एरिया कैसे निकालेंगे आप तो आप एक काम करिए इसको हम बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी तो ये कितना आएगा हाफ इसमें हम एक काम करते हैं बेस इंटू हाइट ले देते हैं इसको हम B नॉट लिख देते हैं H नॉट लिख देते हैं ताकि इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट हो ठीक है क्योंकि जब आप हाफ बेस इन टू हाइट लिखेंगे तो आप अगर इसको B लिखते हैं तो ये B की वैल्यू आप यहाँ लिखेंगे ना B जी टू थ्री यूनिट साथ में H जी टू सिक्स यूनिट जिस तरीके से मैंने यहाँ पर तो एरो मार्क के दिखा एरो मार्क करके दिखा दिया लेकिन आपको तो प्रॉपर लिख के दिखाना पड़ेगा इसलिए आप इसको बी ले लीजिए इसको बी नॉट ले लीजिएगा ठीक है तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास बेस कितना है इस छोटे से ट्राइंगल का अगर आप बेस देखेंगे तो इसका बेस है वन यूनिट तो हम ये बोल सकते हैं कि ये हो गया हमारे पास वन यूनिट और साथ में जो हाइट है हमारे पास वो कितनी है वो ये वाली हाइट है तो ये कितना हो गया टू यूनिट तो इसका मतलब ये हो गया कि हाफ वन इंटू टू टू से ये टू कैंसिल आउट हो जाएगा बचेगा वन तो ये हो जाएगा वन इंटू वन तो ये आंसर आ गया वन स्क्वायर यूनिट इतना क्लियर है तो इसका मतलब ये है कि हम इसको बोल सकते हैं वन स्क्वायर यूनिट ठीक है अब देखिए यह पूरा पोर्शन हम साइड में कर देते हैं अब इसको अगर आप सॉल्व करके देखेंगे तो नाइन माइनस वन कितना हो गया नाइन माइनस वन हो गया एट तो आंसर आ गया एट स्क्वायर यूनिट यही था ट्रेपेजियम का एरिया यही आंसर है इतना क्लियर हो गया यही हमारा ट्रेपेजियम का एरिया था इस तरीके से हमें एरिया निकालना था तो मतलब यह है कि इस ट्रेपेजियम का जो एरिया था वह एक्चुअली में एट स्क्वायर यूनिट था इतना क्लियर हो गया आपके पास ये चारों कोऑर्डिनेट्स भी आ गए क्योंकि इस क्वेश्चन में कहा गया था कि कोऑर्डिनेट्स भी हमें मार्क करने हैं साथ में आपने लाइंस भी मार्क कर दी इस तरीके से आपने ग्राफ भी दिखा दिया तो ये पूरा पोर्शन आपको क्लियर हो चुका है ना तो अब हम यहाँ पर हमने पूरी एक्सरसाइज थ्री ए कम्प्लीट कर ली है अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं सबसे पहले तो हम डिस्कस करने वाले हैं सब्सिट्यूशन मैथड फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन मैथड फिर उसके बाद हम उसके एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे फिर उसके साथ साथ हम एक्सरसाइज थ्री बी को डिस्कस करना शुरू कर देंगे तो ये लेक्चर यहीं तक था अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो